अच्छा गांव में फोन कैले रहला हा। हमार तो मम्मी जी कहत नहीं ना कि 24 तारीख के बड़ी भारी तूफान आवे वाला बा। देखे के तूफान आवता कि डर जाता। राजू भैया कमेंट को डिलीट मत करिए भैया। बहुत टाइम घटता है मेरा, बहुत टाइम कटेगा भैया, डिलीट मत मारिए। 24 तारीख के बड़ी भारी तूफान बाए भैया। हाँ लगन के टाइम बा ना, यही से ए दिन में बड़ी आंधी तूफान आवेला भैया, मार्च और अप्रैल मई में भी। हाँ भैया हाँ, देखे के आवेला कि टरेला। अगर तूफान आ जाए तो हमनी के तो सब सरसों और गेहूं खराब हो जाए। मम्मी जी के चिंता हो गई भाई बात के। हमारे भारत हाँ सही में हाँ। हमरियो शादी में भैया पूछा मत, हम तो रोवत रहनी, हम कहनी हमारा पूरा जितना तैयारी बस सब खराब हो जाए, लेकिन लास्ट टाइम पे ये शादी रहता या बारिश नहीं आई, उसे 2 दिन पहले बड़ी बारिश भइल। हाँ फसल खराब हो जाए बारिश आई तो। हाँ सिर में हाँ भैया सही बात है, नसीब से बढ़ के थोड़ी कुछ मिलता है भैया, जितना नसीब में होगा उतना मिलेगा। राजू भैया मैंने पूछा आपको भोजपुरी आता है? अच्छा ₹15 में तब तो हालत खराब हो गई भैया बाराती लोग के। तब तो मैं बोल रही हूँगी तो आपको समझ में आ ही रहा होगा भैया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ शादी ब्याह में ये टेंशन रहेला भैया ना, बारिश और तूफान के कि कहीं आ ना जाए। हाँ आप तो गाड़ी में बैठे होंगे ना, मान लीजिए जो बाहर होगा उसका क्या हाल हो रहा होगा और लड़की वालों का क्या हाल हो रहा होगा, बेचारे कितना तैयारी कर रहे होंगे, सब खराब हो गया होगा। हमके तो सबसे अच्छा लगेला ठंडी में शादी, शादी ब्याह करा तो ठंडी में करा, नवंबर में, नवंबर दिसंबर में बेस्ट रहेला। ठंडी रहे खूब बढ़िया तैयार हो जा, गर्मी होबे नहीं करी, मेकअप वो नहीं खराब हुई। गर्मी में था आंधी तूफान बारिश के डर, ऊपर से गर्मी पसीना से सब मेकअप खराब। अच्छा 12 गाड़ी और 2 बस, चलिए सब लोग उसी में बैठे होंगे। कौन से ईयर में शादी हुआ था भैया आपका?